भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए कैंपेन करने सीहोर पहुंची बीजेपी की केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने गंज चौराहे पर सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गांधी परिवार को नकली गांधी परिवार बताया, वहीं पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी के चलते भोपाल लोकसभा सीट की भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के समर्थन में जनसभा सीहोर पहुंची उमा भारती का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उमा भारती ने जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी परिवार को नकली गांधी परिवार बताते हुए पीएम मोदी की जमकर प्रशंसा की। हमारे देश के लोग तो होते ही भावुक है, बस गांधी शब्द हृदय में बैठा हुआ था। गांधी जी ने भारत की आजादी को अपने अंतिम परिणति पर पहुंचाया था। गांधी जी ने आजादी के अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया था। गांधी जी एक जीवित किस्म के मसीहा थे। उनके अंदर जीवन शक्ति थी बहुत बड़ी, उनके अंदर आत्मविश्वास था बहुत बड़ा, सबके दिल में बस गए थे गांधी। बस इस खानदान को लगा कि गांधी नाम लगाओ तो राजनीति की रोटियां सेकते रहो। और जेल में रहे, तपस्या करी, तुम्हारी दादी ने करी, इंदिरा जी ने बहुत तपस्या करी, संघर्ष करा। तुम लोगों ने क्या किया? और तुम भारत की राजनीति पे कब्जा करना चाहते हो, हमारे प्रधानमंत्री को गालियां देते हो, रावण कहते हो, चोर कहते हो, हमारी सेनाओं को गालियां देते हो, हमारा उपहास करवाते हो। मैं आज मीडिया से भी अपील करूंगी कि आप लोग भावनाओं का ध्यान रख करके जरूर चलिए। हम गलती करें, हमारी खूब निंदा करिए, अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पूर्व की यूपीए सरकार में हुए घोटाले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर तंज कसते हुए गंभीर आरोप लगाए। 10 साल एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा है आपने जो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, वो देश चला रहे थे, वो प्रधानमंत्री थे और वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। 10 साल के बाद एक प्रधानमंत्री आया, वो कहता है मुझे सब पता, मुझे आगे भी दिखाई देता है, मुझे पीछे भी दिखाई देता है, ना मैं खाने दूंगा और ना मैं खाऊंगा। ऐसा प्रधानमंत्री देखने की आदत ही नहीं थी कांग्रेस के लोगों को, ऐसा प्रधानमंत्री देखने की हमारे देश के एक सर्टेन सेक्शन को भी आदत नहीं थी, जो ये कह रहा हो कि मुझे सब पता है, मेरी 2 आंखें पीछे रहती हैं, 2 आंखें आगे रहती हैं, जो ये कह रहा मैं सारी जिम्मेवारी लेता हूँ, सारी जिम्मेवारी मेरी है। इसलिए मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं ये बात कह सकूं, लेकिन अगर मैं संविधान में तो नहीं कर सकती, लेकिन अपने मन के विधान में संशोधन कर सकती हूँ कि चुनाव आते जाते रहे, हम लोग हारते जीतते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी बिना किसी लाभ लपेट के 20 साल प्रधानमंत्री बने रहे, तो ये देश दुनिया का नंबर एक का देश बन जाए। वहीं उमा भारती ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि फिरोज गांधी महात्मा गांधी के भक्त थे, जिसके चलते उन्होंने अपने नाम के पीछे गांधी लगाना शुरू कर दिया। कहना नहीं है क्योंकि मुझे मालूम नहीं ना कि इसके पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे, इसलिए बोलना नहीं। दीदी गांधी जी को लेकर जिस तरह से कल आपने कमेंट्स किया, पूरे देश में कांग्रेस हंगामा कर रही है, वो कह रहा है निष्ठा का मामला, निष्ठा का मामला कैसे हो सकता है? निष्ठा का मामला गांधी जी, आपने गांधी जो राहुल गांधी कहा कि फिरोज गांधी, मैं तो सही बोली हूँ ना, क्योंकि उनके यहाँ गांधी नहीं लिखा जाता था, फिरोज गांधी जी के भक्त थे, तो फिरोज गांधी जी अपने साथ गांधी नाम लगाने लगे थे, लेकिन फिरोज गांधी जी भी नेहरू परिवार से फिर अलग हो गए थे, वो अलग रहने लगे थे, तो ये तो सब नकली है सबके सब। ये महात्मा गांधी वाले गांधी ने, मैंने यही बोला, मैं तो तथ्यात्मक बोला है, मतलब जो है उस तथ्यात्मक बोला, गलत कुछ नहीं बोला है। उसमें हंगामा क्या हो रहा है वो सुनाई नहीं दिया, तुम क्या बोले? अरे कांग्रेस उस पर आपत्ति ले रही है कि इस तरह की बात, अनर्गल बात आपको नहीं करनी चाहिए आज, नहीं तो वो बताएं कि वो गांधी है, कौन है गांधी? फिरोज गांधी गांधी लिखते थे, वो भी गांधी जी के कारण गांधी जी लिखते थे, क्योंकि वो गांधी जी के भक्त थे। इनके यहाँ तो नेहरू है या सोनिया मयानो है या वाड्रा है। उमा भारती ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर भाजपा को समर्थन करने की अपील की।